दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज माइग्रेंट पॉपुलेशन की है, और ये सिर्फ लेबर या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं है। हम लोग जब सोचते हैं कि माइग्रेंट पॉपुलेशन, तो माइग्रेंट पॉपुलेशन में हम लोग सिर्फ डेली वेजेस के ऊपर हम लोगों का दिमाग में जाता है, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इनमें से बहुत बड़ी तादाद, ज्यादातर बल्कि, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी वाले हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं। तो ये सभी के सभी लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, और हमारी ये सजेशन है, मांग है, कि ये सब लोगों को शहरों के अंदर रोका जाना चाहिए। इनको शहरों के अंदर, क्योंकि ये शहर को लाइफ लाइन प्रोवाइड करते हैं, शहर को जीवन देते हैं, शहर को बनाते हैं। ये माइग्रेंट पॉपुलेशंस के बगैर शहर थम जाएगा, शहर एकदम खत्म हो जाएगा, और एक बार वापस सब चले गए तो, गांव चले गए तो वापस ये सब के सब लोग आना आने आना संभव इनका नहीं होगा। तो रोकना, कोई जबरदस्ती रोकना नहीं होगा। इन सब लोगों को हमको इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ताकि ये सब के सब लोग शहर के अंदर ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा बेहतर अपने आप को समझ सके। इसलिए हमारा ये सुझाव है, हमारी ये मांग है, कि 7,500 रुपया हर एक इस वल्नरेबल सेक्शन को, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है। और माइग्रेंट पॉपुलेशन के अंदर हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम पूछें कि आप कहाँ से आए हैं। हमारे पास में स्ट्रीट वेंडर्स की लिस्ट है, और वो लिस्ट हमारे जो तहबजारी की जो पर्चियां कटती हैं, जो तहबजारी के जो चलान कटते हैं कॉरपोरेशन, सबके पास में, उसके बेसिस पे हो सकता है। रिक्शा पुलर्स, रिक्शा का हमारे लाइसेंस है, रैक पिकर्स, इन सब लोगों के जो है, ज्यादातर ये सबके सब लोग जो है लिस्टेड है, और जो नहीं भी है वो कोई भी प्रूफ अगर दें तो उसको, उसके बेसिस के ऊपर, हमारे जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हमारे, तो ये सारे के सारे लोगों को सीधे के सीधे हमारे शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके 7,500 रुपया एकदम से इनको देना शुरू कर देना चाहिए। हर महीने इनको देना चाहिए, जब तक कि हम लोग लॉकडाउन पीरियड के अंदर, और ये जब तक के आपदा हमारी चली नहीं जाती। ये हमारा सुझाव और मांग हमारी।